हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फ्रिज की। ये जो फ्रिज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये काफ़ी कम दाम पर मैंने लिया है। लगभग 11,000 रुपये में मैंने इसको ऑनलाइन परचेस किया फ्लिपकार्ट से। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं और मैंने अभी तक देखा नहीं कि ये फ्रिज कैसा है। यदि इस फ्रिज को साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी रेटिंग भी दिखाई देगी। रेटिंग आपको दिख नहीं रही, लेकिन 2 स्टार का ये फ्रिज है और इसका बिल यहाँ पर चिपक के आया हुआ है। 7,000 रुपये, 2-3 कम रुपये मुझे लगे हैं। लगभग 11,000 रुपये में ये मुझे मिला है। तो ये हमारा बॉक्स ओपन हो गया है, वो भी प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है। इस तरीके का सैमसंग की ब्रांडिंग फ्रंट में आपको दिख जाती है। जब इधर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 स्टार की रेटिंग दिखेगी और इसमें कलर ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दूर से आप देखेंगे तो इस तरीके का ये फ्रिज आपको दिखाई देगा। यदि हैंडल को हम ओपन करके देखते हैं तो हैंडल अभी ओपन नहीं हो रहा है। ये हैंडल इसलिए ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पर आपको एक लॉक भी दिया गया है, तो मुझे नहीं पता है कि इस तरीके से ये ओपन होता होगा। ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर भी एक पकड़ने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी इसको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से पकड़ के हम लोग खींचते हैं। हाँ, इस तरीके से ये ओपन हो गया है। सबसे ऊपर यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी सारे इसमें टेप लगा के उन्होंने दिया हुआ है। तो ये टेप हम हटा देते हैं। ये टेप इसलिए लगा के दिया हुआ है क्योंकि जब ये ट्रांसपोर्टेशन में आता है तो कहीं टूट फूट ना हो। जैसे इसमें मुझे कोई टूट फूट नहीं निकली है। यहाँ पर ये जो है ये प्लास्टिक का है, ग्लास का नहीं है। ये जो ढक्कन आप देख रहे हैं फ्रीजर का, प्लास्टिक का ढक्कन आपको मिलता है। ढक्कन के बगल में यहाँ पर आपको टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है, जहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और टेम्परेचर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर पर्याप्त जगह मुझे दिखती है। जगह कम नहीं है। एक नॉर्मल यदि 4-5 लोग आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं तो नॉर्मली आपको काम दे जाएगा। नीचे की ओर यदि देखिए तो यहाँ पर आपको ट्रे मिल जाती है और उसके नीचे आपको 1-2 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। सबसे नीचे में भी आपको एक बॉक्स टाइप की ट्रे मिलती है। इन सभी में अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत अच्छे प्लास्टिक से बना हुआ है। ये कोई कांच का नहीं बना हुआ है। कांच में नॉर्मल ये होता है कि हमें धोने में प्रॉब्लम आती है, या ये मटेरियल ऐसा है कि इसको आप नॉर्मली वॉश भी कर सकते हैं, उसको फूटने का भी डर नहीं है। तो ये प्लास्टिक का दिया हुआ है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो हम हटा देते हैं। थर्माकोल्स काफ़ी जगह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी कुछ तो लगा हुआ है, शायद ये सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है। तो इसको मैं फिर से लगा देता हूँ। तो इस तरीके का ये पूरा फ्रिज आपको देखने को मिलेगा, ऊपर से लेके नीचे तक। मतलब ये अंदर से वाइट है और बाहर से ग्रे कलर है, तो काफ़ी ठीक दिखता है। इधर यदि आप देखेंगे इसके गेट में तो यहाँ पर एक बर्फ़ के लिए आपको ट्रे भी दी गई है। तो ये मैं हटा देता हूँ। और इसमें टेक्सचर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ब्लूइश टेक्सचर इसमें है, हल्का ब्लू दिखता है ये जो ग्लास है, और नीचे में आपको हल्का सा ब्लू का ही टेक्सचर दिखाई देता है। तो ये डिज़ाइन भी अच्छी है। यहाँ पर आप यहाँ पर अंडे रख सकते हैं। अंडे रखने के लिए 2 ट्रे दी गई है और यहाँ पर बॉटल्स रखने के लिए ये 2 ट्रे दी गई है। ये अच्छा है कि नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट में थोड़ी सी ज़्यादा जगह मुझे दिखती है। नीचे वाला जो कंपार्टमेंट था इसमें आपको एक चाबी मिल जाती है। काफ़ी अलग सी प्लास्टिक सी चाबी है ये। इसको मैं अलग हटा देता हूँ। और कुछ यूज़र मैनुअल भी यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। और ये 10 ईयर की वारंटी के साथ ये सैमसंग का फ्रिज आता है। तो यहाँ पर मुझे 10 साल की वारंटी मिली हुई है। चाबी दी गई है जो कि प्लास्टिक की चाबी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं लगाता हूँ, मैंने घुमा दिया है। अब देखता हूँ क्या ये ओपन होता है। ये अब लॉक हो चुका है ये। बैक है वो स्टील से बिल्कुल कवर्ड मिलता है। तो ये अच्छी चीज़ यहाँ पर मुझे लगी है कि आपको ऐसा कुछ ओपन ओपन सा नहीं दिखता है। और नीचे की ओर कंप्रेसर वगैरह है तो सिर्फ नीचे ही थोड़ा सा ओपन है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक ट्रे है जिसमें जो गंदा पानी होता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। दोस्तों यदि ओवरऑल बात करें तो फ्रिज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको भी यदि 10-11 हज़ार रुपये में ये मिलता है ऑनलाइन तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। यदि मार्केट में जाएंगे तो शायद 14-13-14 हज़ार रुपये तक इसका प्राइस मिलेगा। ये फ्रिज आपको ऑनलाइन में अमेज़ोन पर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये अनबॉक्सिंग थी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए बाय बाय एवरीवन।